हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ ईजल के ऊपर। आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ईजल आप कौन सा ईजल यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने बोला है कि मेरा ईजल बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है और कंफर्टेबल है, आप देखते हैं वीडियोस में, तो आपने बोला है ईजल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ये वाला मैं जो यूज़ करता हूँ वही है, लेकिन ये वाला ईजल मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का है। मेरा वाला हुआ है वो थोड़ा पुराना हो गया है, इसलिए मैंने सोचा हाथ में नया ईजल है तो नया ईजल से ही आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए दिलतुनील भैया को थैंक यू अपना ईजल दिया यूज़ करने के लिए, वो ग्रीन वाला। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ऐसे एक बैग में आता है, जिप वाला बैग है, तो इसमें आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा है, ये ऐसे लेके जा सकते। तो ये रहा ईजल, पूरा स्टील का है और इस ईजल का नाम है ब्रूस्टो स्टील फील्ड मेटल ईजल। इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और मैं ट्राई करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की। तो ईजल कुछ ऐसा है, तीन ऐसे पैर है और एक ये है। तो चलिए पहले इसे सेटअप कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इधर स्क्रू टाइप का है, ऐसे खुल जाता है, तीनों पैरों में ही है। तो गाइस, उस वाले ईजल के पैकेट में ये भी आता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़। अगर आप सिर्फ ईजल कैरी करते और ये वाला चीज़ कैरी करना भूल जाते तो आप पेंटिंग नहीं बना सकते। सिर्फ मेरे जैसा समझदार आदमी इसके बिना पेंटिंग बना सकता है, वो कैसे मैं बाद में बताऊँगा आपको, अगर आप कभी कैरी करना भूल जाए इसे। तो ये कुछ ऐसा होता है, सामने है, इसमें भी स्क्रू है, देख सकते हैं आप, हॉलो एक पाइप है मेटल का, तो इसमें भी स्क्रू है, स्क्रू खुल जाता है ऐसे, प्लास्टिक के स्क्रू। तो ऐसा है कुछ, देख लीजिए। तो ये भी आपको मिलता है उसमें। अरे धीरे धीरे दिखाओ, धीरे धीरे दिखाएंगे। तो ये वाला ईजल है, अभी इसे सेटअप करेंगे। तो गाइस, ऐसे तीनों स्क्रू को पहले खोलना पड़ता है सेटअप करने के लिए। ऐसे निकल जाएगा, फिर इसको टाइट कर देंगे, हो गया। और बहुत ही इजी है सेटअप करना, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है, ऐसा हो गया। आप इधर आओ, समय रिकॉर्ड है। अब इधर एक हैंडल टाइप का है, उसे ऐसे लूज करना पड़ता है, ठीक है, उसे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इधर एक स्क्रू है, तो इससे ऐसे अप डाउन कर सकते हैं इसे। तो अभी इसे फिक्स करके ऐसे टाइट कर लेंगे, तो ये हिलेगा नहीं, स्टेडी हो जाएगा एकदम। अभी मैंने जो बताया था, ये वाला क्लिप बहुत ही ज़रूरी है, किस काम आता है आप देख लीजिए। तो इसे ऐसे एक ऊपर, छोटा वाला ऊपर और थोड़ा बड़ा वाला जो है वो नीचे, ठीक है, ऐसे करना पड़ता है। और गाइस, अगर आपको थोड़ा अप डाउन करना है हाइट के हिसाब से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा आपका कंफर्टेबल है पेंटिंग करने में। तो हो गया, और ये स्टेडी हो गया, इधर पेंटिंग कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे बोर्ड को ऐसे फिक्स कर लेंगे, तो देखिए बोर्ड आ गया। अब इस चीज़ का जो काम है, इसका काम है बोर्ड या फिर कैनवास को पकड़ना, ऐसे हम कर लेंगे। और उसके बाद ऐसे स्केचबुक को रख लेंगे या फिर कोई भी पेपर हो उसे स्टिक करके बोर्ड में रख सकते हैं, ऐसे रख दिया। अभी अगर हमको थोड़ा एंगल चेंज करना है वाटर कलर के लिए, तो ऐसे कर सकते हैं, जैसा इजी होगा आपके लिए वैसा आप कर सकते हैं। तो ये था इस ईजल का डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने दिखा दिया। और एक चीज़ है, जो लोग ऑयल एक्रेलिक करते हैं वो लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो इधर तो हमारे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, हम दिखा देंगे थोड़ा बहुत जितना हो सके। तो उसके लिए अगर आप बहुत बड़े बड़े कैनवास यूज़ करते तो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेट करना पड़ेगा या फिर कोई भी एंगल जो आप कंफर्टेबल है जिसमें, तो उसके लिए ये दोनों क्लैंप्स दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा कैनवास या फिर बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं छोटे बोर्ड से ही दिखा रहा हूँ। तो ऐसे इसमें जो ग्रूव्स किया है उसमें आपका कैनवास बोर्ड या फिर बोर्ड घुस जाएगा। और अगर फ्रेम कैनवास है तो भी आप कर सकते हो, इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए,
और ऐसा रख दीजिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये था फुल डेमोंस्ट्रेशन। तो गाइस यही था इस ईजल का डेमोंस्ट्रेशन, और इसका बॉक्स मैं वीडियो में इसका फोटो दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है इसका बॉक्स। जब आप नया खरीदेंगे ऐसा ऐसे बॉक्स में आपको मिलेगा। तो इसे बंद भी वैसे ही करते, स्क्रू को जस्ट कर देते, तो मैं वो नहीं दिखाऊँगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो जैसा मैंने पहले कहा था, ये वाला ईजल मेरा नहीं है भाई साहब, आपका हमारा ले लो। कितना प्राइस कितना था वो बताना भूल गया, प्राइस कितना था? 1800। हमने लोकल स्टोर से लिया था, मेरा भी 1800 लिया था, इसका भी 1800 लिया था। आपको शायद 2500 के आसपास मिल जाएगा, 2500 में मिल जाएगा। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो गाइस ये वाला ईजल का बैग है, जैसा मैंने पहले बताया था, जस्ट आप ऐसे कैरी कर सकते, बस चले गए, हो गए, क्या हो गया, अलविदा।